बीबी एक मिनट, बीबी बैठे आप। क्या मसला है इनका? देख यार ये क्या बोल रही है ये। लड़का खत्म हुआ, टूल हर्षा खत्म हुआ, जमा मदद दलाई, जमा मदद दलाई, ढेरा जालिम दे जमा मदद दलाई। बीबी उर्दू में बोलो, उर्दू में बताओ। सर इसको उर्दू नहीं आती इसलिए घबराहट में पश्तो में बात कर रही है। तुम्हें तो आती है ना पश्तो, पूछो। सर अभी तो ये कह रही है कि मेरे मियाँ बहुत जालिम है, मेरे पे जुल्म करता है, मेरी मदद करो। इसे बाहर ले जाओ और इससे पूरी बात पूछो पश्तो में, फिर मुझे बताओ। ठीक है सर। बीबी था सुरापा से राजे शाह पे जमा मदद अलई, टूल हर्षा खत्म शुआ, जमा मदद अलई। हकीकत पर मबनी ये कहानी इलाकाई जुबान में थी। मुल्की सतह पर नाजरीन के लिए इसे आम फहम बनाकर उर्दू जबान में पेश किया जा रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लाला। लाला मैं अशमत खान बात कर रहा हूँ। बोलो कैसे फ़ोन किया? वो लाला हम कराची आ रहे हैं। कराची क्यों? वो जरका से शादी बनाने के बाद वो कहता है कि हमको कराची घूमना है। माड़ा यार तुम कैसा बेवकूफ़ है, यहाँ शहर वाले शादी करने के बाद उधर जाते घूमने वास्ते, और तुम यहाँ आ रहे। ये शहर भी कोई घूमने का शहर है ना? माड़ा यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं। लाला हमको पता है शहर का हालात कैसा है, मगर वो जर का नहीं मानता। वो कहता है हमको कराची जाना है, उधर का समंदर घूमना है, और वो उधर का ऊंचा ऊंचा बिल्डिंगों में घूमना है। जब तुमने खुद फैसला कर लिया तो फिर हमसे क्या पूछते? अच्छा लाला नाराज क्यों होता? अच्छा सुनो, वो हमको अपना एड्रेस दो, हम आता है उधर। जब कराची पहुंचेगा तो हमको पहले बता देना, हम तुम्हारे को लेने आ जाएगा। अब तुम्हारे को मैं एड्रेस ले जाऊंगा औरंगी का, तुम पहुंचेगा कुरंगी। अब शादी बना लिया तो वहां रहो, अब कराची आके हमारे पे क्या बोझ बनेगा? पहले घर चलाना इतना मुश्किल हो गया, ऊपर से तुम दोनों आओगे, सर पे बैठोगे, खाना खाओगे गऊ समझ के, तो हमारा तो खाना खराब हो जाएगा ना। हाँ भाई, मुर्गी कैसे लिए? कितना लिखा हुए नजर नहीं आते? शकल से तो पढ़े लिखे हुए नजर आते हो। शकल से तो तू भी मुझे बहुत कुछ नजर आता है। जा यार जा, अपना काम कर, कुछ लेना वेना नहीं है, सुबह सुबह आके दिमाग खराब करने जा। तेरा पेट भरा हुआ है। खाना खा लो। अभी अभी काम से आया हूँ, थका हूँ, आराम तो करने दो या पहले तेरा खाना खाऊं। ये खाना खिलाने के लिए मरी जा रही थी तुम? तांडा हो गया, हम गरम करके ला दें? तुम जो ना ज्यादा होशियारी नहीं करो। अच्छा हम गरम करके ला दें। चलो चुप, गला दबा दूंगा तुम्हारा अगर आज के बाद तुमने आवाज निकाला तो। आज के बाद तुमने अगर ऐसा खाना मुझे दिया ना, हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा मैं।
अभी अगर ये गोश्त नहीं बिका ना तो पीछे बीमार जो मुर्गे हैं ना उनका क्या होगा। ऐसा करता हूँ 10 रुपए कम करके सेल लगा लेता हूँ, वरना एक दो दिन में मरी हुई मुर्गियों का गोश्त तो बिक जाएगा। ज़्यादा दिन रखूँगा तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है। ओहो, एक तो ये अशमत हमारे जिंदगी का लहू बन गए। हेलो, जल्दी बोलो जल्दी यार, मैं मसरूफ हूँ। लाला, वो हम जरका को लेके कराची आ गए, अभी आपको कितना वक्त लगेगा आने में? ओ यार, हमने तो तुम्हारे को बोला था कि कराची पहुँचने से पहले बताना। लाला, रास्ते पर आपको फोन करता रहा मगर आपका नंबर बन जा रहा था। कोई परेशानी का बात नहीं है, अगर आप मसरूफ हो तो हमको अपना एड्रेस समझा दो, हम वो टैक्सी पकड़ के आ जाएगा। नहीं नहीं, हम दुकान बंद करके आते। बोलो कहाँ पर खड़े तुम? ये बस के अड्डे पे खड़ा हुआ है हम। कौन सी स्टॉप पर? लाला, इस काम को नहीं पता, इधर एक बड़ा सा होटल बना हुआ है, लोगों का रश भी बहुत है। यार, होटल तो कराची में बहुत जगह पर होटल है, अब तुम बताओ कि कहाँ पर खड़े, नहीं तो किसी से आने जाने वाले से बात कराओ हमारी। अच्छा रुको लाला, कराते हैं, चलो चलो। आ जाओ अशमत, आ जाओ आ जाओ। देखो अशमत आए अपनी दुल्हन के साथ। खैर आले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अपना सामान कमरे में ले जाओ, खाने पीने का बंदोबस्त किया नहीं किया? ओ, हम अभी बनाता है। अब बनाओगी? वो लाला कुछ नहीं होता है, रास्ते में खाता पीता है और वैसे भी भूख नहीं है। अभी खाना बनाओ। हमारा पसंद कैसा लगा आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, नजर ना लगे किसी का। अच्छा मैं दुकान चला, दुकान का वक्त तो निकल गए, तुम दोनों आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी भाभी को बता देना, बाकी खाने पर बातचीत करते। ठीक है ना? रोटी ला भी दो। फायदा क्या है सर रोटी का, जब मेहमानों का खाने के टाइम पर हाथ रुक जाते? लाल, हम तो कह रहा थोड़ा देर रुक जाते हैं, भाभी आ जाए फिर साथ खाना खा लेंगे। मैं हाथ बिटा लूं? नहीं नहीं, तुम क्यों हाथ बटाओगी, इसका काम है खुद करेगी। भाभी आप भी आ जाओ ना, खाना खाओ हमारे साथ। नहीं, आपका। गांव में सब कैसा है? लाला गांव में सब ठीक है, आपका बहुत पूछता है, कहता है जब से शेर गया गांव दोबारा आया ही नहीं है। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद हम बिल्कुल अकेला रह गया था, खाला ने भी इसको देखा हुआ था, हमको बोला इससे निकाह कर लो, आप लोग को बुलाया था मगर आप लोग आए नहीं, इसका बड़ा अफसोस है हमको। अफसोस की क्या बात है, कितने दिन के लिए आओ कराची? लाला ये तो हमारा जरका को पता है, जब तक इसका दिल नहीं भर जाता ये कराची में रहेगा। अगर यही दिल लग गया तो फिर देखेंगे, इधर ही कोई छोटा मोटा काम करके किराए पे घर ले लेंगे। मैं तो पूरे कराची घूमूंगी, समंदर भी जाऊंगी, और हाँ वो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल जो होता है उधर भी जाऊंगी, और बहुत सारा शॉपिंग भी करूंगी। जरका
हम तुम्हारे को पूरा कराची घुमाएगा, सब कुछ दिखाएगा, तुम दोनों को घुमाने ले जाएगा। लाला वैसे आपका दुकान किस चीज़ का है? मेरा दुकान मुर्गी का है, मतलब मुर्गी का गोश्त का है। कमाल का बात है लाला, इसका भी चिकन बहुत फेवरेट है। गांव में सारे लोग बकरे का गोश्त खाते हैं, मगर ये मुर्गी के पीछे भागता रहता है। व्हाइट कढ़ाई हो या फिर सब्जी, मुझे चिकन बहुत पसंद है। जल्दी आ गया, वो हमारा मतलब है कि चला जाऊं आपसी? नहीं बोलो तो चला जाता हूं। मना किया था ना कि फजूल का बक बक और सवाल जवाब मत किया करो। ये लो साफ कर देना उसको और रात का खाना बना देना। वो क्या कहा था जरगा ने, कढ़ाई कढ़ाई बना देना। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। चल जा दफा हो जा अंदर। जरका, अशमत, वो गए? किधर गया? घूमने। घूमने? मना भी किया था कि कराची का हालात ठीक नहीं है, कहीं भी जाना मुझे बता कर जाना। तुमने रोका नहीं उनको? हमको क्या मालूम? तुम्हारे को तो कुछ मालूम ही नहीं होता। इस शहर में तारे बहुत कम हैं, आलूदगी की वजह से। आलूदगी से क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भी तो कराची की जिंदगी है ना। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, कांच की दुकानें, साफ सुथरी सड़कें, लंबी लंबी गाड़ियां और लड़के लड़कों की रंगीन जिंदगियां। बड़ी अय्याशी है कराची में। हमसे इतना क्या पड़ता? कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत अच्छा। मैंने कहा था तुम दोनों को कि कहीं भी जाना मुझे लेकर जाना। अशमत बिल्कुल बेवकूफ है, तुम जैसी हसीन खूबसूरत बीवी को अजनबी शहर के अंदर इस तरह अकेले लेकर घूमना ठीक थोड़ी है। खैर कैसा लगा कराची? जितना सुना था ना उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। तुमसे ज्यादा खूबसूरत थोड़ी है। क्या मतलब? शहर की जिन लड़कियों को तुम इतना खूबसूरत समझते ना, वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। और कराची में क्या, हमने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा हसीन खूबसूरत लड़की नहीं देखा। हो लकाश मदा, आज तुम्हारे को इसलिए दुकान लेकर आयो ना कि कराची में काम देख लो कैसे चलता है। कल को तेरा मूड बन गया कराची में तो मुश्किलात नहीं होगा, समझा? ठीक है भाई। अभी मैं सुबह से जो मुर्गियाँ बेच रहा हूँ तुमने देख लिया ना? हाँ लाला देख लिया हमने, आसान काम है, कर लूंगा। तुझे मुर्गी भी काटना आता है और गाँव में सब काम करता है? हाँ लाला क्या मतलब है आपका? अच्छा तो फिर एक काम करो,
आज थोड़ा काम हल्का है, तुम दुकान में बैठो, मैं तुम्हारा भाभी नुसरत को थोड़ा शॉपिंग कराता हूँ। एक महीने से पीछे पड़ी है, आज नहीं ले जाऊँगा तो फिर नाराज़ हो जाएगी। अगर दुकान पूरा दिन बंद किया तो कस्टमर ख़राब हो जाएगा, मैं शाम तक आ जाऊँगा। लेकिन लाला, लेकिन लेकिन छोड़ो, एक दिन संभाल कर तो देखो। मुझे पता है तुम जरका के बगैर नहीं रह सकते। ऐसा बात नहीं है लाला, इतने दिन से कराची आया हुआ है, उसको घुमाने नहीं लेगी, अब तक नाराज़ होगा वो। अच्छा, फिर टेंशन क्यों लेते हैं? तुम्हारा भाभी के साथ उसको भी ले जाता हूँ, उसको भी शॉपिंग करा दूंगा। फिर ठीक है लाला, आप जाओ, हम दुकान संभालते हैं। और हाँ देख, दुकान अकेला मत छोड़ना और किसी को उधार भी मत देना, ठीक है? मैं शाम तक आता हूँ। और हाँ, अगर यही काम तुम्हारे को समझ आते तो दिमाग लड़ाओ, यही काम शुरू कर देना, ठीक है? देखो, तुम्हारे को जो पसंद आता है तुम ले। ये अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। ये चप्पल कितने की है? 1200। क्या 1200? नहीं नहीं, बहुत महंगी है। अरे तुम छोड़ो, ले बेटा, पैक करो इसको। तुम्हारे को अच्छी लगी ना? शुक्रिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहे तो चलो घर चले। हाँ, हमको एक पसंद तो आया है पर वो 800 रुपए का है। 800 का? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मेरे पास कोई पैसों का पेड़ लगाए। चलो घर चलो, कोई 150 रुपए वाला 200 वाला लेके देगा। चलो चलो घर चलो। लाला, आपका पसंद तो बड़ा जबरदस्त है। पसंद तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा है अशमत। भाभी, आपने जो शॉपिंग किया वो किधर है, वो तो दिखाया हमको। हमने कुछ नहीं लिया, कुछ पसंद ही नहीं आया। जरका, एक कप चाय तो बना दो। लाला, तुम्हारा दुकान पे बैठे बैठे इतना सर में दर्द हो गया हमारे, इतना शोर होता है कि अब तक हमारा कान बज रहा है। देख रही है, वो चाय बनाने के लिए खड़ी हो गई है और तुम डीट की डीट बैठी हो। जरका, तुम बैठो, हम चाय बना के लाती। आप लोग बैठो, हम जरा अपने कमरे से होके आते हैं। अब खुश हो ना? मजा आया शॉपिंग करने का आज? बहुत मजा आया। कल समंदर चलेंगे घूमने। पर अशमत की तबीयत देखकर ऐसा लग रहा है कि कल तक ठीक हो जाएगी उसकी तबीयत। नहीं भी हुआ ना तो हम चलेंगे घूमने के लिए, उसको आराम करने दो घर पे। ऐसा कैसे हो सकता है, अशमत क्या सोचेगा? अच्छा ये बताओ, तुम्हें उसके साथ घूमने में मजा आया या मेरे साथ? दोनों के साथ। नहीं ऐसे नहीं, एक का बताओ, ज्यादा किसके साथ मजा आया, मेरे साथ नहीं? और हाँ, नजर उतार लिया करो कि नजर नहीं लग जाए तुम्हें। अब कैसी है आपकी तबीयत? दर्द से थोड़ा जिस्म टूट रहा है। बैठो बैठो बैठो। नुसरत, अशमत के लिए नाश्ता लेकर आओ। लेकर जाऊं आज अस्पताल तुम्हारे को? लाला, डॉक्टर के पास जाने का क्या फायदा है, थोड़ा गर्मी लगा है ना, वो मौसम तब्दील हुआ है, एक दो दिन में खुद ठीक हो जाएगा। जरका, फिर तुम आज नहीं जा सकती हो। लाला, किधर जाना था आप लोगों को?
जरका और तुम्हारी भाभी पीछे पड़ी हुई थी कि कब से हम कराची आए, अभी तक हमारे को समंदर नहीं ले गई। मैंने कहा अशमत की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर चले चलेंगे। जरका, फिर तुम आज घर पर रहो, अशमत का तबीयत भी ठीक नहीं है और नुसरत को तो लाजमी लेकर जाना है आज समंदर, वरना वो फिर नाराज़ हो जाएगी। कब से टाले जा रहा था, फिर कहेगी मेरे वजह से नहीं, अशमत और जरका के वजह से समंदर नहीं गया। तो चलो अशमत का तबीयत ठीक हो जाए तो फिर समंदर देख लेना, फिर अल्लाह मालिक है, पता नहीं फिर कब जाना हो समंदर। यहाँ से बहुत दूर है, शहर के उस कोने पर। क्या बात है, तुम क्यों उदास हो, तुम्हारा दिल चाह रहा समंदर जाने का? अभी हम क्या करें लाला, नुसरत कहती है कि जरका को भी साथ लेकर जाओ, जरका का दिल दुखेगा। अभी हम जरका को साथ लेकर जाएगा, अच्छा नहीं लगता कि वो चली जाए और जरका घर पे अकेली रह जाए। अब तुम बताओ हम क्या करें। अब ये भी अच्छा नहीं लगता कि हम लोग घूमने जाए और तुम घर पे बीमार पड़ाए। लाला आप हमारा फिक्र छोड़ो, जरका का भी दिल चार और भाभी भी जाना चाहता है, आप दोनों को घुमा कर लाओ और हमको तो वैसे बिस्तर पे पड़ा रहना है। लेकिन हशमत, तुम फिक्र छोड़ो हमारा, हमारा तबीयत ठीक हो जाएगा, हम दोनों साथ चलेगा। जाओ तो तुम तैयार हो जाओ, उठो ना भाभी के साथ तैयार हो जाओ, जाओ। नुसरत तुम जरा बैठो यहाँ इंतजार करो, मैं जरका को घोड़े का सवारी घुमा के लाता हूँ। इतना मुश्किल उर्दू थोड़ी तुम्हारे को बोला तो तुम्हारे को समझ नहीं आते, बैठो यहाँ पर। तुम हाँ करोगी तो मैं रास्ते की सारी ही रुकावटें हटा दूंगा। देखो तुम्हें मजबूरन निकाह करना पड़ा, हालांकि कहने पर तुम्हें अपनी खुशी से जीने का हक है। और हाँ, हशमत कराची का मतलब का इंसान नहीं है, वो दो हफ्ते में कराची छोड़कर भाग जाएगा। अब तुम फैसला कर लो, गांव की चार दीवारी में तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है या कराची की रंगीन ज़िंदगी गुजारनी है। मैं तो अब सोच भी नहीं सकती वापस जाने का। तो बस जरका, मुझे पहली नज़र में एहसास हो गया था, मुझे जिस लड़की की तलाश था वो लड़की तुम हो। वो कुछ बोल कर तो देखे, जबान खींच लूंगा उसका मैं। मजहब में चार शादियों का इजाजत है, वो कौन होती है मुझे रोकने वाला। पर मैं आ भी कर दूंगी तो हशमत का क्या होगा? हशमत को रास्ते से हटाना होगा। कैसे? वो देख लेंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर भी तुम क्या करेगा? अब जो भी करूँगा ऐसा करूँगा कि हमारे तुम्हारे बीच तीसरा बंदा कोई नहीं आएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर जरका। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बात तो ठीक है, हशमत मुझे जिंदगी में क्या दे सकता है? मैंने कराची में रहना है, कराची के लोगों की तरह जिंदगी गुजारनी है। गुलखान मुझे सब खुशियां देगा, भाभी तो वैसे भी इनसे दबी रहती है। हशमत के बाद ये सब कुछ मेरा होगा और गुलखान ने वादा किया है कि वो मुझे यहाँ आज़ादी से रहने देगा। शहर की लड़कियों की तरह अपनी मर्जी से सब कुछ करूँगी मैं। गुलखान से एक बार फिर पूछती हूँ कि वो बेवफाई तो नहीं करेगा ना, भाभी की तरह तो नहीं रखेगा मुझे। मुझ पर भरोसा रखना, जो भी कहा सच्चे दिल से कहा। मुझे क्या करना होगा? मुझ पर भरोसा करना होगा, बाकी अशमत का फैसला मैं कल ही कर दूंगा। जो भी करना ध्यान से करना, और हाँ
जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं लेना। हम देर भी नहीं कर सकता ना चंदा। बस अभी हमने फैसला कर दिया, अब हम तुम्हारे को गाँव जाने नहीं देगा। अच्छा तुम मेरे दुकान पर काम करेगा। लाला जरका भी यही कह रही है, गांव में खाला ने जरका से शादी करने के बाद तो हमसे एक बार भी नहीं पूछा, इधर तो आप हो भाभी हो हमारा ख्याल रखने के लिए। बस ठीक है आप से मेरे दुकान पर काम शुरू कर दो। ठीक है लाला। चल तुम्हारे को वो जगह दिखाऊँ जहाँ मुर्गी के पर जो भी गंदगी है वो डालते हैं, वो तुम्हारे को दिखाऊँ। लाला किधर है वो जगह? चलो दिखाता हूँ तुम्हारे को, वैसे भी अभी दुकान तुम्हारे को ही चलाना होगा। ठीक है लाला चलो चलो चलो। हशमत को मार के साहब मैंने उसी जगह दफन के साहब जिस जगह मुर्गी का साहब गंदगी होता था साहब, ताकि कल को साहब लाश से बदबू आवे साहब, लोग यही समझे कि मुर्गी की गंदगी की बदबू है साहब। उसके बाद मैंने साहब जरका से निकाह किए साहब। तुम इसे निकाह कहोगे? अपने सगे भाई को कत्ल कर उसकी बीवी के साथ निकाह? निकाह जैसे मुकद्दर रिश्ते को पामाल ना करो गुलखान, बल्कि ये कहो तुम जरका के साथ जना करते रहे हो। साहब जना से बचने के लिए साहब दूसरी शादी की साहब। अपने सगे भाई का कत्ल करके? खैर फिर क्या हुआ? जरका से शादी करने का शौक पूरा हो गया, नुसरत ने तुझे कुछ नहीं कहा? साहब नुसरत सब कुछ जानती हुई साहब खामोश थी साहब। इसकी बर्दाश्त और अजमत को सलाम करना चाहिए था तुम्हें, इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद तुमने जरका और नुसरत को बराबरी के हुकूक दिए। अगर नुसरत भाभी ने किसी को बता दिया तो? नहीं बता सकती हूँ, वो जानती है गुलखान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे अपनी जान प्यारी है। आप इतनी आसानी से कैसे किसी की जान लेने की बात कर सकता है? पहले कभी नहीं करता था, सब कुछ तुम्हारे लिए, अपने सक्के भाई को दफना डाला सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। अब कचरता गांव से किसी ने रब्ता किया तो? घुमा दूंगा, हमें कह के लाहौर गया था, शायद वहीं किसी काम पे लग गया हूँ। ठीक है अब घर चले। क्यों आपने तो कहा था कि घूमने भी जाएंगे? अब ऐसे प्यार से कहती हो तो कैसे इनकार कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गुलखान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसा है गुलखान? ठीक है यार। गुलखान वो आजकल तुम्हारा भाई नहीं दिख रहा, वो जो आया हुआ था गांव? वो गांव चला गया अपनी फैमिली को छोड़कर। मेरा मतलब है भाभी को तो उस दिन देखा तुम्हारे साथ। तुझे बड़ी पहचान है, वो मेरी बीवी थी उसकी बीवी, तेरे को शर्म नहीं आते दूसरों की औरतों पर नजर रखते? चल फूट यहाँ से। यार गुलखान नाराज क्यों हो रहे है? दोस्त होकर पूछ भी नहीं सकता? दोस्त हो दोस्ती के हद में रहो, तुझे बड़ी पहचान है क्यों मेरी बीवी थी या उसकी बीवी थी? चल फूट यहाँ से, आज के बाद नहीं आना मेरी दुकान पर। घाव को तुम्हारा है कमा। ये शॉपिंग की है मैंने, देखो ना। देखो ना अच्छी लगी ना।
अच्छा है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं यूं आजादी से अकेले घूमूं फिरूं, शॉपिंग करूं। गुल खान से मैं तुम्हारे लिए भी बात करूंगी कि वो मेरे साथ साथ तुमको भी बाहर जाने की इजाजत दे दे। नहीं, हमको नहीं चाहिए। डरती क्यों हो? वो मेरी हर बात मानता है। तुम्हें तो पता है ना, 2 महीने हो गए शादी को, पर अभी भी वो अपनी हर बात पे कायम है। चलो, क्या याद करोगी? आज हम खुद अपने हाथों से खाना बनाएगा और तुमको खिलाएगा। नहीं जरका, मैं बना लूंगी खाना, तुम नहीं जाओ बावर्ची खाने में। कभी ना कभी तो ये पूरा घर मुझे संभालना होगा ना, दिल चाह रहा है मेरा, जाने दे। जरका, चूल्हा ठीक नहीं है। अब खाना जैसा भी लगे ना, खामोशी से खा लेना, वरना तुमको तो पता है फिर मुझे कोई बात बुरी लग जाए, गुल खान अगले की जान लेने पे उतर आता है। जरका ने एक भाई का उसके सगे भाई से खून करवाया और नुसरत के रईस से हुक भी छीन लिए थे, पर जब जरका को उसकी सजा मिल गई तब भी तुम्हें खौफ नहीं आया? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, जरका के मरने के बाद सब कुछ ऐसा लगा खत्म हो गया, नफरत होने लगी मुझे अपनी जिंदगी से। नुसरत जब भी हशमत और जरका का जिक्र करती थी, मेरे तन बदन में आग सा लगता था। तबीयत खराब है, कुछ खाएगा नहीं तो दवा कैसे लेगा? खाना कुछ नहीं खाना, जाए से मेरी फिक्र मत किया कर। हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखो, जरका की वजह से हशमत नहीं रहा तो जरका को इसका हिसाब देना पड़ा, फिर जुबान खींच लूंगा तुम्हारा, चमड़ी उतार दूंगा तुम्हारा अगर आज के बाद तुमने ऐसा कहा तो। जो आग तुम्हारे अंदर जल रही है वो इन आंसुओं से ठंडी नहीं होगी। तुम्हारे अपने सगे भाई अशमत के लहू से इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम नुसरत पर जुल्म करना छोड़ देते, अपने रब से माफी मांग लेते, नुसरत जिसकी दुआओं के सहारे तुम्हारे हर ऐप पर इस रब ने पर्दा डाल रखा था, इससे अपने किए की माफी मांग लेते, उसे इसका हक देते,
तुम्हारे हक में नुसरत के गिड़गिड़ा कर माफी मांगते आंसू शायद तुम्हारे मन के जलाते आग को ठंडा कर देते।